उम्मीद करता हूँ आप सब खुश होंगे और अपने परिवार के साथ राजी खुशी होंगे। तो आज की कहानी फिर शुरू करते हैं। सीमा हैदर के बारे में आपको मालूम ही है, पिछले कुछ दिनों से बहुत सारी कहानियाँ चल रही हैं, बहुत सारे रिपोर्टर्स उसके घर पर जाते हैं इंटरव्यू लेने के लिए, और पूरे मीडिया में आज की तारीख में एक ही नाम है जो है सीमा हैदर का। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि किस प्रकार से कहानी की शुरुआत हुई, ये सब आप जानते हैं लेकिन एक बार दोहराना जरूरी है। सीमा हैदर जो लड़की है वो कराची से पाकिस्तान से आई है यहाँ पर, और एक लड़के से प्यार होता है जिसका नाम है सचिन। सचिन के साथ उसके बाद वो नेपाल में मिलती है। नेपाल में मिलने के बाद वो धीरे धीरे उसे प्यार में फंसाती है और धीरे धीरे सचिन के साथ वो बारात आ जाती है। 1.5 महीने बाद सचिन वकील से मिलता है। वकील से मिलने के बाद वो बात करता है शादी की, लेकिन जो वकील साहब होते हैं वो एक पत्रकार को बोलते हैं, पत्रकार साहब पुलिस वाले को बोलते हैं, और इससे ये मामला पूरा खुलासा हो जाता है। अब इस कहानी में नया पेच आ गया है। फिर सीमा की गिरफ्तारी होती है, उसके बाद उसको जमानत मिलती है, उसके बाद जो आपने देखा होगा पूरे मीडिया पे रोज़ सीमा की इंटरव्यू वगैरह सब होती है। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको शॉर्ट में दोहरा दिया उसके साथ अभी तक क्या हुआ क्या नहीं हुआ पूरी कहानी सीमा की। लेकिन आगे की कहानी जो है वो थोड़ी दिलचस्प है और थोड़ी सुनने वाली है। अब 2 दिन से यूपी एटीएस ने उसको गिरफ्तार किया था, गिरफ्तार नहीं किया था कह सकते, उससे कुछ पूछताछ कर रही थी। तो पूछताछ में कुछ संदिग्ध जो सवाल उन्होंने उठाए थे वो थोड़े से एटीएस ने पकड़े हैं उसके। शायद जल्द ही इसको अभी गिरफ्तार भी कर लिया जाए और पूछताछ और कड़े तरीके से शुरू हो जाए। तो पहला जो सवाल था सीमा हैदर से, जो एटीएस ने पूछा कि आप पाकिस्तान से कब आई, तो सीमा हैदर इसका थोड़ा गोलमटोल जवाब दिया और उसी पर उनको शक हुआ एटीएस को, और उन्होंने एक लेटर इसको पढ़ाया इंग्लिश में, वो लेटर था, तो वो लेटर इसने बड़े अच्छे से पढ़ लिया और कहते हैं कि सीमा हैदर 5वीं पास हैं। अब 5वीं पास वाला आदमी इंग्लिश इतने अच्छे से कैसे पढ़ सकता है और कैसे लिख सकता है? तो एटीएस को थोड़ा इस बात पे थोड़े खटक हुई, थोड़ा सा उनका दिमाग हिला, उन्होंने और जानकारी शुरू कर दी। फिर उन्होंने जो काठमांडू में होटल में है वहाँ से जानकारी लेनी शुरू करी, वहाँ से भी थोड़े से संदिग्ध मिले, और मालूम चला कि सीमा हैदर के पास 5 फोन थे लेकिन जब भी वो सचिन से बात करती थी तो किसी से फ़ोन मांगकर करती थी। अब जिस व्यक्ति के पास 5-5 फोन हो, 4-4 फोन हो, वो दूसरे का फ़ोन क्यों यूज़ करेगा? ये भी सवाल एक बनता है जो एटीएस के सामने आया। थोड़ा उनको इससे भी थोड़ा आश्चर्य पैदा हुआ कि ये अगर आपके पास 5 फोन है या 6 फोन है तो अमूमन आप अपने पास फ़ोन से बात करोगे, हो सकता है कि आपने अलग अलग नंबर रखे हो बात करने के लिए अलग अलग व्यक्ति से और फ़ोन बंद कर दो, लेकिन आप किसी का फ़ोन मांग कर क्यों बात करेंगे? और फिर बात हुई व्हाट्सएप चैट की और सोशल नेटवर्किंग की, और वहाँ पर भी बात हुई, जो बातें हुई थी उसमें से भी कुछ 600 से 700 मैसेज डिलीट थे। तो पिछले 2 दिनों से एटीएस ये छानबीन कर रही थी जो सीमा हैदर है सच में कोई इश्क प्यार का मामला है या कोई मामला दूसरा है, ये जासूसी का मामला तो नहीं है। लेकिन अब हाल में लग रहा है कि सीमा हैदर का जो मामला है वो जासूसी का ही है। अब आपको मैं एक पिक्चर दिखा रहा हूँ, जो पिक्चर ये बोली जा रही है कि सीमा हैदर के भाई की है और वो पाकिस्तान की फौज में है, और अगर वो फौज में है तो शायद ये मामला जासूसी का हो सकता है जैसा कि अभी एटीएस यूपी को लग रहा है, और शायद अब जल्द ही सीमा हैदर की गिरफ्तारी भी हो सकती है। तो ये छोटी सी जानकारी थी सीमा हैदर के बारे में, एक अपडेट थी, तो मैंने कहा कि आपके साथ साझा करूँ, तो मैंने इसीलिए आपको ये पूरी कहानी साझा करी है। नमस्कार।